महाभारत में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ छल कपट हुआ है बेचारा कर्ण के साथ, जीवन से मरण तक बेचारा को जिसने देखा उसने बेचारे से छल कपट, भगवान का रूप लेकर कृष्ण भगवान लोग, इंद्र भगवान ये लोग मिलकर उससे कवच कुंडल छीन लिया, नहीं तो कोई मार देता क्या कवच कुंडल, नहीं मार सकते। आखिरी वक्त में जब रथ का चक्का उठा रहे थे तो भी उसके साथ छल किया गया। लास्ट में जब मृत सैया पर लेटा था तो उसके उसके ब्राह्मण का भेष लेकर कृष्ण भगवान उससे कहे कि हमको कुछ दक्षिणा दो मरने के टाइम पे, तो पत्थर लेके सोना का दांत तोड़ दिया, सोना का दांत था तोड़ दिया कर्ण ने, दिया तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ब्राह्मण को झूठा देते हो, तो उसने कहा कि एक काम कीजिए ब्राह्मण देवता, हमको तीर लग गया है, हम उठ नहीं पा रहे, वो मेरा धनुष उठा के दीजिए, हम अभी आकाश में मारते हैं, वर्षा होती है, बहुत बहुत बलशाली था, तो कहा कि हम उठा के देंगे तो ये मेरा कर्म हो जाएगा, और ब्राह्मण को कर्म के बदले उसकी मजदूरी मिलती है, दीक्षा नहीं मिलती। बेचारा कराहते हुए अपने से कर्ण ने धनुष उठाया था और इंद्र देव को मारा, बरसा हुआ धूल के दिया था। इसलिए जब तक पृथ्वी कर्ण जैसा महाबली कोई और उतना दानी नहीं होगा, भले जीते अर्जुन थे, अर्जुन जीते नहीं जिताए गए थे, और कर्ण हारा था तो सत्य की जीत के लिए। कर्ण वह व्यक्ति था जो हार कर भी सत्य को विजयी बना दिया, क्योंकि कर्ण अगर नहीं रहता तो कौरव जीत जाता, कर्ण अगर नहीं मरा रहता तो कौरव जीत जाता, तो कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान दिया था इसलिए कि कर्ण मारा जाए और कौरव हार जाए, वरना वहां पर वो जीत, अगर वो कवच कुंडल नहीं दिया रहता तो बहुत मुश्किल हो जाता उस पर, तो इतना मतलब वहां था। तो वृंदावन में कृष्ण भगवान ने बहुत बहुत उपदेश दिया, लेकिन एक उपदेश को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो उसने कृष्ण भगवान जब उसका रथ का चक्का उतर जाता है कर्ण का, तो कृष्ण भगवान से वो कहता है कि आप मर्यादा का ख्याल रखिए, रथ का चक्के उतरने पे आप मार कर रहे हैं, और उस व्यक्ति से जिसने अपना कवच कुंडल दान दे दिया, उस व्यक्ति से, तो कहा कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, तुम बात मर्यादा की करते हो, पांचाली को वैश्या कहने वाला कौन था, पांचाली को उन्होंने बोला था, तो वही बात कि कहीं ना कहीं आपके जीवन के कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं जो आगे जाके आपकी जान ले सकते हैं, इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन जीवन में कभी ऐसा शब्द मत निकालिएगा जिस वजह से आपकी जान, या फिर जान मर जाना ही, जान नहीं लेना, कभी ऐसी बेइज्जती, कभी ऐसा फंस जाइएगा कि वो शब्द आपको जीने नहीं देगा, और शब्द एक बार निकल गया तो वापस नहीं ले सकते। तो वृंदावन में जाइएगा तो बड़ी बड़ी कथा होती है वहां पर, सुनिएगा तो बहुत बढ़िया कथा कहता है, मन लगता है बहुत, कभी जाइएगा सुनिएगा, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन पूछेगा वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, वृंदावन गार्डन कहाँ है, कर्नाटक के मैसूर।